अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये गटर की जगह आजकल जो ड्रे या आप में से इसे कोई ये ड्रम वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, जिसमें सीट का पाइप आ रहा है अंदर से, प्लग एल्बो, चार का एल्बो। अच्छा, मेन चीज़ ये थी, ठीक है, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई। ये देख रहे हैं ऊपर, ये इसके ऊपर कपड़ा लपेटा हुआ है हमने, ठीक है, ये कपड़ा लपेटा हुआ है। तो सुराख आपने ना ज़्यादा खुला करना है, ठीक है, और ना इतना कम करना है कि बिल्कुल इसमें फ़िक्स आए, बिल्कुल फ़िक्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, कि नहीं तो आपकी भराई जो है ना वो नहीं कर पाएंगे फिर आप। और ये आम सीमेंट है, ठीक है, कोई ख़ास चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लास्टिक पैरस इस्तेमाल करते हैं तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो तकरीबन इतनी इतनी जगह जो है ना, इतनी इतनी जगह जिसमें पाइप होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये जो चारों साइडें हैं ना इसकी, ठीक है, इतनी इतनी जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। जो कपड़ा आप ऊपर लपेटते हैं ना, उसको आपने अच्छे से गीले सीमेंट में तर कर लेना है, ठीक है। सीमेंट को आपने थोड़ा थोड़ा तारी रखना है, मतलब कि पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है, तो थोड़ा ढीला रखना है आपने, ताकि आपका कपड़ा जो है ना उसमें अच्छी तरह वो सीमेंट लग जाए उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, ठीक हो गया। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये पाइप जो है ना, ये आप जहाँ मर्ज़ी इसके सेंटर में चाहे रख सकते हैं, हमने सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है सेंटर से। आप चाहें तो इस पीस को, दोनों ड्रम जो है ना, उसके सेंटर में भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देख लें यहाँ पे क्या आना है, मैं दिखा चुका हूँ आपको। अच्छा, वो चीज़ मैं दिखाने वाला था आपको, मेन बात जो है ना, मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ये पाइप आप जहाँ भी रखते हैं ना, आप कोशिश करें कि ये जो इसका किनारा है ना, इसकी जो एक साइड है, इसके बराबर तो नहीं लेकिन इससे भी थोड़ा सा आधा इंच नीचे ही हो, ठीक है, ये पाइप आधा इंच नीचे हो। अब फ़र्ज़ करें यहाँ से ले कर यहाँ तक ये बन गया मेरा 6 इंच, ठीक हो गया, यहाँ से ले कर यहाँ तक, जहाँ तक पाइप आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक, तो ये मेरा 6 इंच बन गया जो इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है। जो गंदा पानी इसमें आएगा ना, गंदे पानी वाला पाइप जो है ना, वो यहाँ से ले के इसके पाइप के नीचे जो है ना तय तक, ये 6 इंच है, और वो अगला जो है ना वो निकासी वाला है, तो उसको आपने कहाँ रखना है, वो 6 इंच पे, इसे आप 7 पे रख लें, 7.5 पे रख लें, 1 इंची भी नीचे डाउन हो गया तो मैं कहता हूँ कोई मसले ही नहीं है किसी किस्म का भी। और ये ड्रम आप वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर 1 से 2 बाथ हों, ठीक है, 3 बाथ हों तो भी थोड़ा देख लें फिर अपने लिहाज से, जितना ज़्यादा बाथ इस्तेमाल होगा। आप चाहें तो ये ड्रम जो है 3 भी रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो बात 3 हो या बात 2 या 3 हो तो फिर बेहतर है आप 3 ड्रम रख लें, अगर एक बात है सिंगल बात है तो 2 ड्रम जो है ना वो भी बहुत है। अच्छा जी, ये रही सीट हमारी, फ़िलहाल सीट ही है, यहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं है, ठीक है। और मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, ये जो मेरी रहाइश है ना जहाँ पर मैं रहता हूँ, ये वहाँ काम कर रहा हूँ, अपने यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए सब क्लियरली दिखा रहा हूँ, पहले भी सब दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इसके नीचे मैंने कचरा वगैरह डाला हुआ है, ठीक है, आपने भी डाल लेना है। अगर आपके पास खुला माल है, सीमेंट, बजरी, रेत वगैरह की आपको कोई टेंशन नहीं है, तो बेशक ये ना डालें, लेकिन डाल लें तो बेस्ट है। पता है क्यों? कल को सीट आगे पीछे करनी हो या निकालनी हो तो थोड़ी आसानी से निकल जाती है, वैसे तो 99% जो है ये टूट के निकलती है, ठीक है। ये पाइप बाहर जा रहा है, ये वाला पाइप वो बाहर जा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।